जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। एक बार की बात है, एक आदमी बर्फ बनाने वाली कंपनी में काम करता था। एक दिन कारखाना बंद होने वाला ही था कि वो अकेला पानी को फ्रिज करने वाले कमरे का चक्कर लगाने लग गया तो गलती से दरवाजा बंद हो गया, जो कि अंदर से खोला नहीं जा सकता था, और वो अंदर बर्फ वाले हिस्से में फंस गया। छुट्टी का वक्त था और सब काम करने वाले लोग घर जा रहे थे। किसी ने भी अधिक ध्यान नहीं दिया कि कोई अंदर फंस गया है। वो समझ गया कि 2-3 घंटे बाद उसका शरीर बर्फ बन जाएगा, और अब जब मौत सामने नजर आने लगी तो भगवान को सच्चे मन से वो याद करने लगा, अपने कर्मों की क्षमा मांगने लगा और भगवान से कहा कि प्रहलाद को तुमने अग्नि से बचाया, अहिल्या को पत्थर से नारी बनाया, शबरी के झूठे बैर खाकर उसे स्वर्ग में स्थान दिया। प्रभु, अगर मैंने जिंदगी में कोई एक काम भी मानवता व धर्म का किया है तो तुम मुझे यहां से बाहर निकालो। मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, उनका पेट पालने वाला इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूं। मैं पूरे जीवन आपके इस उपकार को याद रखूंगा। और इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। एक घंटा ही गुजरा था कि अचानक फ्रीजर रूम में खटखट की आवाज हुई। दरवाजा खुला, चौकीदार भागता हुआ आया, उस आदमी को उठाकर बाहर निकाला और गर्म हीटर के पास ले गया। उसकी हालत कुछ देर बाद ठीक हुई तो उसने चौकीदार से पूछा, आप अंदर कैसे आए? चौकीदार बोला कि साहब, मैं 20 साल से यहां काम कर रहा हूं। इस कारखाने में काम करते हुए हर रोज सैकड़ों मजदूर और ऑफिसर्स कारखाने में आते जाते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि आप उन कुछ लोगों में से हो जो जब भी कारखाने में आते हो तो मुझसे हंसकर राम राम करते हो और हालचाल पूछते हो, और निकलते हुए आपका राम राम काका ये कहना मेरी सारे दिन की थकावट दूर कर देता है, जबकि अक्सर लोग मेरे पास से यूं गुजर जाते हैं कि जैसे मैं हूं ही नहीं। आज हर दिनों की तरह मैंने आपका आते हुए अभिवादन तो सुना था, लेकिन जाते समय आपका राम राम काका सुनने के लिए इंतजार करता रहा। अब जब ज्यादा देर हो गई थी तो मैं आपको तलाश करने चल पड़ा कि कहीं आप किसी मुश्किल में तो ना फंस गए हो। वो आदमी हैरान हो गया कि किसी को हंसकर राम राम कहने जैसे छोटे काम की वजह से आज उसकी जान बच गई। राम कहने से डर जाओगे, मीठे बोल बोलो सवर जाओगे। सबकी अपनी जिंदगी है, यहां कोई किसी का नहीं खाता। जो दोगे औरों को वही वापस लौट कर आता है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी के जरिए हम आपको राम शब्द की ताकत बताना चाहते हैं। भगवान किसी ना किसी रूप में हर जगह मौजूद है, बस जरूरत है तो सच्चे दिल से याद करने की। सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री राम लिखें ताकि इसी तरह भगवान आपकी भी हर विपरीत परिस्थिति में मदद कर सके। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें। जय श्री राम दोस्तों।